क्या रात के अंधेरे में असुर जीव ने कैचर को बंधक बनाकर बच्चा पैदा कर दिया? कैचर की गलती की वजह से मेरा कॉकटेल हार्नेस के साथ ही उड़ गया। भैया ये कहीं असुर जीव का बच्चा तो नहीं है? तुझसे बस फालतू की बातें करवा लो, ये तो ऑडियंस बताएगी क्या चीज है। सुबह आज जब मैं बर्ड हाउस की सफाई करके बाहर निकला ही था, तभी एक बजीज प्लांट के पास बैठा हुआ था। वो तोड़कर सीधा बर्ड हाउस के अंदर चला गया और फिर वो दूसरे गेट से निकलकर बाहर उड़ गया। मुझे ऐसा लगा कि वो बजीज उड़कर कहीं दूर चला गया होगा, लेकिन मैंने उस बजीज को बालकनी में पकड़ लिया। आज शाम को मैं बर्ड हाउस में ब्रीडिंग बॉक्स लगा ही रहा था, तभी कैचर के हाथ से कॉकटेल हार्नेस के साथ ही उड़ गया और हम उस कॉकटेल को हर जगह ढूंढने लगे। वो तो शुक्र है कि रात का वक्त था और वो हमें मिल गया। रात को बर्ड हाउस के बाहर कैचर को फर्श पर कोई जीव मिला जो कि जेलीफिश जैसा लग रहा था, जिसकी दो आंखें भी थी। और ये जो भी चीजें, कहां से आया बर्ड हाउस में?